नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नजर आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कैतना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये 90 नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फिल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कैसा कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका क्या कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नजर आएंगे और ये फिल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नजर आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसके स्टोरी को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका क्या कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फिल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बह, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कैना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कैतना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो इस द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये 90 नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसके स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फिल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका क्या कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये।, ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइब इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ़ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे। स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नजर आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइनटी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फ़िल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कैतना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित तो और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो इस द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टूडेंट ऑफ द फीयर फिल्म को जो है देखना चाहते हैं तो इसकी स्टोरी इस को जान लीजिए ये फिल्म की कहानी क्या है हम आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर जो फिल्म है वो कब रिलीज़ हुई थी यह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना हुआ था ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी और इसके जो हैं वो कितनी कमाई की थी ये फिल्म और इस फिल्म में आपको कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे कौन कौन से हीरो और हीरोइन आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे और ये फिल्म कब रिलीज़ की गई थी कब लोगों को पसंद आई थी और वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोचक जानकारी मिल सके और आप देख सको तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अरसद सईद द्वारा लिखित और पुनित मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एक 2019 में भारतीय हिंदी भाषा की किशोर फिल्म है यह करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन के तहत निर्मित किया गया था और बॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर का जो है ये बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नज़र आएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस फिल्म को बनाने में कुल साठ से पैंसठ करोड़ रुपए लगे थे और इसका कुल कारोबार ये नाइन्टी